बनी जी धन्यवाद सभापति जी। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने व्यापारियों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आज पेश किया है। वैसे 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वन नेशन वन टैक्स का बहुत बड़ा सपना साकार हुआ था। और उस समय 2017 में अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देखे तो सिर्फ 64 लाख था, जो कि आज बढ़कर 1,39,00,00,000 रजिस्ट्रेशन जीएसटी में हो गए हैं। इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ, रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्यों के प्रतिनिधियों की जीएसटी काउंसिल है, समय समय पर वो संशोधन भी करती है, विचार भी करती है। कभी कभी व्यापारियों के बीच में और जीएसटी के बीच में जो विवाद की स्थिति रहती है तो वो न्यायालय में जाना पड़ता है, और जब न्यायालय में जाना पड़ता है तो उसमें समय भी लगता है, एनर्जी भी लगती है। और न्यायालय में पहले ही बहुत सारे प्रकरण लंबित हैं, लगभग 14,000 प्रकरण हाईकोर्ट में इसके लंबित हैं, और उसी को लेकर अपील के लिए ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है, और इस ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष सदस्य की पात्रता आयु आदि के लिए ये बिल लाया गया है। इससे व्यापारियों को तो लाभ मिलेगा ही सही, और मोदी सरकार हमेशा व्यापारियों के हित में काम करती है, ये बिल उसके लिए लाया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अनेकों राज्यों में दो दो ट्रिब्यूनल बनाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में एक ट्रिब्यूनल बनाई गई है लेकिन वो भोपाल में है। मेरा मानना है कि इंदौर मध्य प्रदेश की कमर्शियल सिटी और सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जीएसटी के इंदौर में है, तो एक ट्रिब्यूनल बेंच इंदौर में भी बनाई जाए, ये मैं मांग करता हूँ और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। श्री लव कृष्णा जी।